धन्यवाद 32 माला 26 का है ये नहीं 26 ही है ये लो ट्रिकन में देती है हां हां अब इसे करके एक और बना देते हैं ना ला दे अंदर दे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खेड़ा मापुरा ढोलडोड़ा से इस माँ भगवती के पावन प्रांगण में जीवन लक्ष्य फाउंडेशन के माध्यम से आयोजित स्वेटर वितरण कार्यक्रम के इस अवसर पर उपस्थित विद्यालय परिवार से बाहर से जितने हमारे सम्मानित अतिथियों साथियों का मैं आपके बीच परिचय करवा रहा हूँ। जिस फाउंडेशन के माध्यम से आज इस विद्यालय में इन नन्हे मुन्ने बच्चों को स्वेटर वितरण का कार्यक्रम हो रहा है, जीवन लक्ष्य फाउंडेशन, इस फाउंडेशन की स्थापना 19 अप्रैल 2019 को हुई, यानी कोरोना से ठीक एक साल पहले, और इसके संस्थापक सदस्यों ने और जिनकी इस लक्ष्य फाउंडेशन की अगवानी कर रही हैं सम्मान्य अंजू जी गर्ग, और आपके साथ में एक बहुत बड़ी टीम काम कर रही है, इसके माध्यम से नन्हे मुन्ने बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आए, अभावग्रस्त परिवारों में कहीं ना कहीं थोड़ा खुशी का माहौल हो, ऐसा उद्देश्य लेकर जैसे पक्षी वगैरह हैं या आवारा जानवर हैं उनकी देखभाल नहीं होती है, ऐसे कुछ कार्यक्रम इस फाउंडेशन के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं। तो पहले मैं इस फाउंडेशन की थोड़ी सी जानकारी आपके बीच में रख रहा हूँ कि फाउंडेशन के माध्यम से क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं। अभी इस फाउंडेशन के माध्यम से सुविधाहीन या आर्थिक रूप से थोड़े कमजोर जो बच्चे हैं, पढ़ने में कहीं दिक्कत आती है और कहीं समस्या आती है, ऐसे 2800 बच्चों को जो नन्हे मुन्ने आपके जैसे बच्चे हैं उनको 2800 बच्चों तक स्वेटर वितरण का कार्यक्रम हो चुका है इस संस्थान के माध्यम से। 2500 बच्चों तक पैरों में उनके लिए जूते आदि की सुविधा इस संस्थान के माध्यम से फाउंडेशन के माध्यम से की गई है। भोजन पहुँचाने का साथ में जो जिस चीज़ का महत्व तो भगवान ने हमें बिल्कुल मुफ्त में दी है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कोरोना में जितना महत्व तो सबको मालूम पड़ा, शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसने ऑक्सीजन के बारे में नहीं जाना हो। ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने का काम भी आपने लॉकडाउन में किया, और ऑक्सीजन उत्पन्न हो सके इसके लिए आपने लगभग 2000 पेड़ लगवाए हैं, और पेड़ लगाए नहीं है, उन पेड़ों को पालने पोसने का काम भी जिम्मा भी ले रखा है। आप सबको पता है कि एक व्यक्ति अगर बीमार होता है तो 24 घंटे में उसको 2400 रुपए की ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यानी 3 सिलेंडर लगभग लग जाते हैं। आप बताइए कि अगर एक पेड़ हम जो भगवान ने हमें दिया है 24 घंटे के लिए, 2400 रुपए का मुफ्त काम हमको दिया है, अगर हमने बदले में पेड़ लगा दिया तो भगवान के उस सार्थक कार्य में भी हम थोड़ा सा प्रयास अपना योगदान करते हैं। इसके अलावा 1000 लोगों तक कंबल पहुँचाने का काम किया है, कच्ची बस्ती के बच्चों के साथ होली दिवाली पर उपहार देना, मिठाई वितरण करना, उन बच्चों को बस्ती के लोगों में कुछ न कुछ उत्साह आए त्यौहार के प्रति, ऐसा काम भी इस फाउंडेशन के माध्यम से किया जा रहा है। पक्षियों के लिए 200 परिंडे लगाए गए हैं और साथ में घरौंदे बनाए गए, जो पक्षी बोल नहीं सकते उनके लिए भी आपने सोचा है कि उनका भी कुछ न कुछ पुण्य हो सके, कुछ भला हो सके। इसके अलावा आपने इस फाउंडेशन के माध्यम से 6 सरकारी स्कूल और 3 बस्तियों को गोद ले रखा है, जिनका जिम्मा आपने ले रखा है कि अगर इस विद्यालय में कोई अभाव होता है या बस्ती में कोई कमी रहती है तो फाउंडेशन के माध्यम से उसको पूरा किया जा रहा है। इसके अलावा बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, रक्तदान शिविर का आयोजन आपके माध्यम से किया जाता है, और बहुत सारे अन्य काम हैं जो संस्थान के माध्यम से किए जाते हैं। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों से फाउंडेशन का और उसको संचालित करने वाली जो टीम है और हम सब की ओर से आपका अभिनंदन स्वागत। ये फाउंडेशन की थोड़ी सी मैंने आपके बीच में जानकारी रखी है। अब मैं मंचासीन हमारे आदरणीय अतिथियों का परिचय आपके बीच में करवा रहा हूँ। इधर बाई कुर्सी पर झा साहब एकदम कोने में बैठे हैं, भाई साहब सुभाष जी झा साहब, आप
पूर्व बीओ रहे हैं आमेर के और अभी कुछ ही महीने पहले सेवानिवृत्त हुए हैं, और एक संस्थान है व्यास सेवा संस्थान, उसके माध्यम से जुड़कर भी आप भी, आप जैसे छोटे बच्चे हैं उनके चेहरे पर मुस्कान आए, उस कार्य के लिए अपना जो आगे का सेवा व्यक्ति का जीवन है वो देने का आपने और एक संकल्प लिया है। एक बार जोरदार ताली से आपका अभिनंदन स्वागत। उनके दिए गए दाइयों और विराजमान है सम्मानीय नरेंद्र जी व्यास साहब, एक बार व्यास साहब के लिए जोरदार ताली से उनका अभिनंदन करें। वैसे तो आपका परिचय नहीं है लेकिन मैं थोड़ा सा इनका विस्तार से परिचय बता देता हूँ। आप खाद्य प्रसार अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हैं और आपकी श्रीमती इंदुबाला व्यास शिक्षिका थी। आप जैसे नन्हे बच्चों से आपका बहुत प्रेम था और ईश्वर की मर्जी है 2015 में वे इस दुनिया में नहीं रही, और उनकी स्मृति में आपने उनके इस पुण्य कार्य को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया और व्यास सेवा संस्थान की स्थापना की 2016 में। और व्यास सेवा संस्थान के माध्यम से जैसे अंजू जी इस फाउंडेशन के माध्यम से कार्य कर रही हैं, इसी प्रकार से व्यास जी भी स्थापना करना और साथ में सफाई का कार्यक्रम करना, भिखारियों के प्रति सोचना, इस संस्थान के माध्यम से बहुत सारे काम किए। एक बार व्यास जी के लिए जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए तो आप हमेशा ताली बजाते हैं, आप हर एक बार जोरदार ताली के लिए कार्यक्रम होते हैं। आप एक से फाउंडर भी हैं, ट्रस्टी भी हैं, एक बार जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन स्वागत। आप एडवोकेट हैं और मंजू रानी जी आपका भी अभिनंदन स्वागत, नमन जी आपका अभिनंदन स्वागत, और सीमा जी सारन और रेणु जी पारेख आप भी जीएसटी डिपार्टमेंट से, आपका अभिनंदन स्वागत। जोरदार तालियों से आपका सबसे अभिनंदन, और इन्हीं के ऑफिस बॉय हैं श्री जोगेंद्र जी, आपका भी अभिनंदन स्वागत। मैं स्वागत हमारे शिक्षा अधिकारी पूर्व शिक्षा अधिकारी इस बात की जाता आपका माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन स्वागत। मैं अभिनंदन करें, स्वागत करें, फोटोग्राफी तो करो भाई। मैं देवेंद्र जी आपसे निवेदन करूंगा सभी सम्मानित अतिथियों को आप किसी को भेंट करें, आप सभी को ठीक है। आपसे निवेदन करूंगा हमारे सम्मानित जो अतिथि हैं उनको आप कुछ कुछ भेंट करें, माला पहनाएं उनको आप पहनाए। विद्यालय से आप बोल रहे हो, बहुत बड़े अति सुंदर। जोगेंद्र जी को बनाओ। हाँ बिल्कुल मेरा मिल। सबसे पहले हम परमात्मा से यही प्रार्थना करेंगे, क्योंकि नन्हे मुन्ने बच्चों में खासतौर से दुनियादारी का छल कपट नहीं होता, इसलिए साक्षात ईश्वर का निवास करता है, और इनके चेहरे पर अगर हम मुस्कान ला पाते हैं तो सच्चे में इनकी दुआ बहुत काम करती है, और हम जिस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ते हैं उसमें बहुत ऊंचाइयाँ हम प्राप्त करते हैं। मैडम बहुत अतिगत समय में समय निकाल कर आई हैं, उन्होंने कहा कि आधा घंटे में चंदन कुमकुम पंक युगम गणेन्द्र समान युगम सब नौ सरस्वती पाद। आज विद्यालय में भव्य कार्यक्रम हमारे मध्य विराजमान जीवन लक्ष्य की डायरेक्टर श्रीमती अंजू जी सेवा से हैं और में है
मानव जीवन का लक्ष्य है धर्मार्थ काम मोक्ष, किंतु व्यक्ति काम और अर्थ में उलझा रहता है। जब इनसे उभर करके आता है तो धर्म की ओर अग्रसर होता है। धर्म क्या है? दूसरे को पहचानना और अपने आप को पहचानना, उसमें जो है वो अपने में है, इस बात का ज्ञान ही धर्म है। धर्म की व्याख्या संभव नहीं है, किंतु जो मेरे सामने है, जो उसमें है वो उसमें है, इन दोनों को पहचान लेना ही, जान लेना ही धर्म है। आपने बहुत सारे इस प्रकार के विद्यालयों में मानव सेवा और जीव जंतुओं की सेवा, इसका जो लक्ष्य लिया है, किसी प्रकार से उनका जीवन सुरक्षित हो और शिक्षित हो, आवश्यकता अनुरूप उनको समय पर वो सारी चीजें उपलब्ध हो, उन्हें आवश्यकता है। कि वस्त्र हीने व्यो वस्त्र पिपास्ते व्यो व्यो मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, मैं हर साल आता हूँ आप लोगों के बीच में। आज मुझे ये आपका ये मिल भी गया है, कितने बच्चे हैं हम 25 तारीख के बाद में आपके सब बच्चों को जो भी स्टेशनरी की आवश्यकता है क्लास वाइज वो वितरित कर देंगे। मैं अभी थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, लेकिन मैं बच्चों को पहले कर देता। और अंजू जी भी तो इस तारीख को थोड़ा बिजी है, कोई भी सैटरडे देख के जिसमें अंजू जी फ्री हो, जिन सब बच्चों को क्लास वाइज कितनी की आवश्यकता है, इस क्लास की कितनी या कॉपी आती है, पेंसिल चाहिए, पेन चाहिए, हम कर देंगे। और मैं तो अंजू जी मेरी छोटी बहन है, मैं इनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। ये इतना काम करती है, गवर्नमेंट की नौकरी भी करती है, घर में भी थोड़ा ध्यान देती है, और उसके उपरांत भी इतना काम कर लेती है, तो मैं इनको वैसे ही नमन करता हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं इनके कई कार्यक्रम में जाता हूँ, मैं तो ब्लड डोनेशन कैंप में भी गया था। और मैं तो अंजू जी से कहता हूँ, अगर और भी कोई ऐसी स्कूलें हो जो आपके ध्यान में हो, जिसके बच्चों को स्टेशनरी वितरित करवानी हो, आप मुझे लिस्ट दे दें, मैं उसको कर दूँ। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अंजू जी को कहीं जाना है, और मैं कहूँगा आप तो वितरण कार्यक्रम चालू। बहुत बहुत धन्यवाद जी का। तो संभव होगा नहीं, तो आ जाओ बेटा, नहीं वहां बैठने के बाद पहनने कोई दिक्कत नहीं है। हाँ
ये कौन सी वेबसाइट चल रही है? कक्षा चार है ना सर, ये कक्षा चार थर्ड है। बच्चे लाइन में आएंगे, लाइन में आएंगे सब लोग, कोई बोलेगा नहीं, एकदम चुप रहिए, बोलना नहीं है।
लो। सारे को मिला।
जिनको स्वेटर मिल गया है वे सामने लाइन बना लें, इधर उधर खड़े नहीं होना है, सामने जाकर खड़े होना है, सीढ़ियों पर टीचर्स के जैसे निर्देश है वैसे खड़े होना है। ग्रुप फोटो के लिए सामने जो सीढ़ियां बनी हुई है वहां पंक्ति से खड़े होना है जाके। किसी बच्चे को स्वेटर नहीं मिला हो तो एक बार मंच पर आ जाए इधर। सामने देखना, सामने मैडम के बच्चों की फोटो ले Thank you.
बच्चों जरा सीधे बैठिए, बातचीत बंद कीजिए, अब कोई बात नहीं करेगा। अभी भी बातचीत चल रही है बेटा, बड़े बड़े सावधान, वेस्त्रा सावधान। देखो कितना सुंदर कार्यक्रम हुआ है, हम सब ने नए स्वेटर पहन लिए, और कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसको नहीं मिला हो, सबको मिल गया ना। अभी आप सबके साथ में एक फोटो होगी, और इस सुंदर कार्यक्रम के आयोजन के लिए लक्ष्य फाउंडेशन के साथ साथ में आपके विद्यालय का भी सहयोग मिला है, इसलिए आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। बच्चों सब बाहर आइए, पहले कोई इतना नहीं लेगा मेरा, सब लीडर यहाँ बैठा है। शर्म हो रहा है बच्चों, रेज योर हैंड, हाथ ऊपर करिए सब, दोनों हाथ, दोनों हाथ। अब मैं जैसे तालियों के लिए कहूँ और जोरदार तालियां बजानी आपको, है ना, क्लैप को, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, मैं भी आ जाऊं। भारत माता की।
धन्यवाद।